अल्लाह करीम ने फरमाया ये जो पांच अलामतें हैं, पांच, अल्लाह ताला का जिक्र हो तो दिल डर जाए, वाइजातुलियत अलैहिम आयातहु ज़ादतहुम ईमाना, कुरान पढ़ा जाए तो उनका ईमान तरक्की पा जाए, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पर भरोसा करें, अल्लज़ीना युकीमून सलात, वो लोग जो नमाज कायम करने वाले हों, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करने वाले हों। फरमाया जिन लोगों के अंदर ये पांच अलामतें पाई जाएंगी, औलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, फरमाया ये सच्चे मोमिन है। करते फिरे अपने हिसाब से लोग तशरी निकालते फिरे कि मेरे से अच्छा मुसलमान कौन होगा, लेकिन रब का कुरान कहता है अपना मुआसबा करके देख लो, उसका जिक्र हो तो दिल डरता है, अपना मुआसबा करके देख लो, कुरान की आयतें पढ़ी जाए तो ईमान में तरक्की होती है। अपने आप से पूछ लो रब पर भरोसा कितना है, अपने आप से सवाल करो नमाज कायम करने में तुम्हारा मेयार क्या है, ये देखो कि तुम अल्लाह के राह में खर्च करने के मामले में कितने सखी वाकया हुए हो। अगर ये पांच बातें पाई जाती हैं तो औलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, मेरा रब फरमाता है ये वो सच्चे मोमिन हैं जिन्हें रब सच्चा मोमिन फरमाता है। ये अल्लाह का फैसला है कि औलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, ये सच्चे मोमिन हैं, ये सच्चे मोमिन हैं, ये सच्चे मोमिन हैं। अल्लाह कहता है ये हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये हैं मेरे बंदे, ये सच्चे मोमिन। या अल्लाह तू इन्हें क्या देगा, क्या अता करेगा, जब तू कह रहा है कि औलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का, ये सच्चे, ये कुरान मजीद का मजा तो लो यार कितना ज्यादा है, ये सच्चे मोमिन हैं, या अल्लाह तू क्या देगा इन्हें। फरमाया लहुम दराजातुन इंद रब्बिहिम, इनके दर्जे इनके रब के पास हैं। इसका एक माना मुफस्सरीन ने ये किया है, ये जो कहा ना लहुम दराजातुन इंद रब्बिहिम, इनके दर्जे इनके रब के पास हैं। मालिक फरमाता है इसका एक माना मुफस्सरीन ने ये किया, ये तो तुम्हें कयामत में पता चलेगा कि रब ने क्या क्या अता फरमाया। लहुम दराजातुन इंद रब्बिहिम, तुम्हें क्या बताएं अल्लाह इन्हें क्या देगा, इनके दर्जे इनके रब के पास है, उसने लिख दिया इनका अजर, तय कर दिया इनका इनाम, इनके लिए मालिक करीम ने अपनी रहमत से फैसले कर दिए करम वाले। हां तुम अगर दुनियावी तौर पर देखना चाहो, तुम अगर समझना चाहो तो फरमाया व मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, उनके दर्जे हैं उनके रब के पास और उनके लिए बख्शिश है, जो खताएं हो गई भूल के वो अल्लाह माफ कर देगा, उनके लिए बख्शिश है। और ये मत समझना कि सिर्फ आखिरत में ही नतीजा मिलेगा, ये मत समझना सिर्फ बख्शिश ही मिलेगी, ये मत समझना कि सिर्फ उखरवी जिंदगी ही बेहतर होगी, वर रिज़्कुन करीम, फरमाया उनके लिए इज्जत वाली रोजी है। ओए होए होए, अल्लाह करे आप समझे कुरान मजीद का मजा। वर रिज़्कुन करीम, उन्हें मैं बाइज्जत रिस्क अता करूंगा, रोजी भी मिलेगी पर कहीं रुसवा नहीं होना पड़ेगा, रोजी मिलेगी पर जिल्लत वाली नहीं, व रिज़्कुन करीम। कभी पलट के देखो ना रब के बंदों की शान, अल्लाह उन्हें रिस्क अता फरमाता है तो इज्जत वाला अता फरमाता है, वकार वाली रोजी मैं दूंगा, वकार वाली। बस तुम पांच चीजें पैदा करो अपने अंदर, एक तो ये देखो जब रब की याद होती है तो दिल डरता है कि नहीं, कुरान पढ़ा जाता है तो ईमान मजबूत होता है कि नहीं, तुम्हारा रब पर भरोसा कितना है, एतमादे खालिक कितना है, ये अपने अंदर पैदा करो। और फरमाया नमाज कायम करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तुम ये पांच चीजें पैदा करो, रब कहता है मोमिन भी तुम पक्के हो, दर्जे भी बड़े दूंगा, जो खताएं गलती से हो गई वो माफ भी कर दूंगा, वर्रिज़्कुन करीम, रोजी मिलेगी इज्जत वाली। ये कामिल मोमिन की निशानियां कुरान मजीद सूरह अनफाल में बयान।